विधान परिषद की 24 सीटों के लिए सुबह 8 बजे मतदान जारी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और लगातार अधिकारी बूथ का निरीक्षण कर रहे हैं। इस समय प्रखंड कार्यालय पर जो बूथ है उस बूथ पर की पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह के इंतजाम हैं, बूथ वहाँ बनाया गया है और सुरक्षा के इंतजाम अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर हैं। पटना के DM सभी बूथों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, SDO लगे हुए हैं, ASP लगे हुए हैं, CTSP को लगाया गया है, पटना के SSP लगे हुए हैं और अभी कई जनप्रतिनिधि जिसमें अरुण कुमार सिन्हा जो BJP के विधायक है वो उसके साथ साथ कई वार्ड पार्षद आए थे, उन लोगों ने आकर के यहाँ वोटिंग किया है और वोटिंग करने के बाद निकले हैं। हमने जो कुछ लोगों से बातचीत की है उनका कहना है कि बदलाव और विकास दोनों जरूरी है, इन्हीं दोनों मुद्दों पर फिलहाल वोटिंग की संभावना हो रही है। देखना होगा कि 7 अप्रैल को किसकी किस्मत की लॉटरी खुल पाती है। सहयोगी रणधीर के साथ मर्ग बालम कच्ची न्यूज पटना। MLC चुनाव को लेकर आज मतदान हो रहा है, पटना सदर में मतदान केंद्र बनाया गया, तमाम जो है ये वोटर हैं और वोट देने के लिए जो पहुंचे हैं उन तमाम लोगों से हम जान लेते हैं क्या कुछ वोट देने से पहले सोचा, क्या कुछ सोच कर वोट दे रहे हैं। हम लोग विकास के सोच के हम वोट देने जा रहे हैं और बढ़िया प्रत्याशी लोग अच्छा होगा वही चुनेंगे, वही चुनेंगे। आप भी वोट देने के लिए पहुंचे, क्या कहेंगे? विकास के लिए, विकास के लिए। कुछ ऐसा सोच रखा है जो ऐसे आप तो पंचायत प्रतिनिधि हैं, आपके बातों को उच्च सदन तक पहुंचाया जाए, जो उम्मीदवार हो जो मिले आसानी से। देखिए महिलाएं भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं वोट देने के लिए पहुंची, क्या कहेंगे? पहली बार चुनकर आ रही हैं क्या? नक्टा दिया से वोट देना है, क्या कुछ सोच कर वोट देंगे? विकास के लिए वोट दे रहे हैं। चलिए देखिए ये तमाम जो लोग हैं ये वोट देने के लिए पहुंचे हैं और नक्टा दियारा क्षेत्र के जो है ये पंचायत प्रतिनिधि हैं, वोट जो है ये देंगे। और एक विषय जो है जो इन तमाम लोगों ने कहा है कि अब जो भी प्रतिनिधि होंगे वो ऐसे प्रतिनिधि होंगे जो विकास को लेकर काम करेंगे और आने वाले समय में जो है क्षेत्र के विकास के लिए जो है उनके तरफ से योजनाएं होंगी और जो भी जनप्रतिनिधियों की जो विषय पंचायत के प्रतिनिधियों की जो होगी उसकी बात को सुनते हुए उच्च सदन तक इन बातों को पहुंचाएंगे और समस्या को दूर करेंगे। इस समय कैमरा पर्सन सुनील के साथ गौतम गौन कशिश पटना।